हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं FY BCOM का सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स का चैप्टर नंबर 7। बेसिकली इसके बारे में हम कंटिन्यूसली डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द इंडेक्स नंबर इन द डिफरेंट वे। तो गाइस, यहाँ पे आज हम जो सीखने वाले हैं वो है आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन या एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 12। इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक थे उसको हमने सीख लिया हुआ। वो बेसिकली एवरेज ऑफ प्राइस ऑफ रिलेटिव था, ठीक है। फिर उसमें वेटेड थे, फिर एग्रीगेटिव मेथड हो गया। तो ये हमने कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर लिया हुआ। उसके जो इल्यूस्ट्रेशन आपके टेक्स्ट बुक में वो भी हमने देख लिए हुए हैं। देखिए, मैं आपको इस पूरे वीडियोस में इल्यूस्ट्रेशन भी करवाऊंगा, एक्सरसाइज भी करवाऊंगा, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है, ताकि आपके जितने भी डाउट हो माइंड में सब आपके क्लियर हो जाए, ठीक है, और आप अपने FY BCOM में सेकेंड सेमेस्टर में अच्छा खासे मार्क्स को स्कोर कर सको। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 जो कि मदन प्रकाशन टेक्स्ट बुक में है FY BCOM के, ठीक है। और मैं आपको साथ ही साथ ये भी बता दूं कि आइडियल अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी से FY BCOM के एग्ज़ाम्स देने वाले हो तो ये भी आपको यूज़फुल होगा, क्योंकि दोनों के कॉन्सेप्ट सेम होते हैं सेकेंड सेमेस्टर के अंदर, राइट। तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है, सम किसी भी टाइप से आएंगे, सम आपके टेक्स्ट बुक से भी आ सकते हैं या अलग मेथड से भी बन सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट एक बार समझ गया, बेसिक समझ गया, तो आप किसी भी टाइप के सम्स को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखिए, अच्छे से समझिए सम्स किस तरीके से सॉल्व करना है, इसके जो फॉर्मूलाज है वो किस तरीके से आपको बाहर कर दे, सब मैंने आपको डिटेल में बता दिया हुआ है जो कि वीडियो में अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे गिवन है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट लेस पेयर पैसेज फीसर्स रोडविस बावले मार्शल एज व्हाट, राइट। तो आपको यहाँ पे ए से लेके ई तक के ऐसे 5 टेबल दिए गए हैं। उसके अंदर आपको क्या करना है कि ये टोटल 5 जो कॉन्सेप्ट है जिसमें आपके लेस पेयर्स पैसेज फीसर्स रोडविस बावले मार्शल एज व्हाट के कॉन्सेप्ट आते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट टेबल बना लिया हुआ, ए टेबल, जिसके अंदर कमोडिटीज़ गिवन है, ए बी सी करके कमोडिटीज़ गिवन है, 3 कमोडिटीज़ है, बेस ईयर का प्राइस है, बेस ईयर की क्वांटिटी है, करंट ईयर का प्राइस एंड करंट ईयर की क्वांटिटी है, ठीक है। अब जो बेस ईयर का प्राइस है उसको P0 कंसिडर करो, जो क्वांटिटी है उसको Q0, फिर P1 और ये Q1, ठीक है। करंट ईयर है तो 1 से होगा, बेस ईयर है तो 0 से होगा, राइट, यहाँ तक चलिए। देन अब आपको क्या करना है कि लेस पेयर पैसेस, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, ये दो फॉर्मूला आपको बाहर रखना है। इसके बेस पे आगे के जितने भी फॉर्मूलाज है, फीजर डॉबिस बावले मार्शल एज व्हाट, ये दोनों, मतलब ये जो दोनों है अपने लेस पेयर्स एंड पैसेस, ये दो इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी सब फॉर्मूला रिपीटेड है, राइट। तो चलो पहले मैं आपको बता दूं कि लेस पेयर का फॉर्मूला क्या होता है। लेस पेयर का फॉर्मूला होता है 1000। अभी ये 1000 आपको याद रखना है, ये हिंट है, ये लॉजिक है कि आपको अगर 1000 याद है, अगर लेस पेयर मतलब 1000 कैसे, यहाँ पे आपको लिखना है समेशन P1 Q0, ठीक है, और यहाँ पे लिखना है समेशन P0 Q0 इंटू 100। अब देखो, ये जो 1000 का जो कॉन्सेप्ट था वो मैं आपको समझा देता हूँ, जो बच्चे पहली बार देख रहे वीडियो, ठीक है। ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0, देखो 1000 मतलब 1000 हो गया, 1 के पीछे 3 0 तो 1000, तो ये लेस पेयर का फॉर्मूला हो गया, राइट। ये फॉर्मेट आपको याद रखना है, PQ PQ, उसके बाद 1000, राइट ना। तो पहले आपको क्या चाहिए, इसमें P1 Q0 चाहिए, तो इसको मैं टेबल को ऐसा एक्सटेंड कर लेता हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्या चाहिए मुझे, P1 Q0 चाहिए, राइट, फिर क्या चाहिए मुझे, P0 Q0 चाहिए, P0 Q0, ओके, ठीक है। और इसका टोटल भी चाहिए होगा मुझे, समेशन है मतलब इसका टोटल चाहिए, तो नीचे भी रो इंक्रीज कर दूंगा। बस आपको इस तरीके से देखो टेबल बनाने रहने, ठीक है, कंटिन्यूसली ऐसा टेबल बनाते रहो। पहले ये दो वैल्यू निकाल लेते हैं हम, P1 Q0 देख रहे हो, P1 Q0 जो कि आसपास है, 20 × 3 करना है तो 60 हो गया, 15 × 15 करना है तो 75, 40 × 6 किया तो 240, राइट, यहाँ तक। अब इसको हम ऐड कर देंगे तो 375। चलिए तो ये जो न्यूमेरेटर की वैल्यू थी ये मुझे मिल गया 375 अपॉन और यहाँ पे इंटू 100 भी हो गया। अभी मुझे चाहिए P0 Q0, तो P0 Q0 मतलब ये वाला बेस ईयर का प्राइस, बेस ईयर की क्वांटिटी, तो 20 × 2 करूँगा तो 40, ठीक है, 15 × 4 किया तो 60, एंड देन 40 × 3 किया तो 120, इसको प्लस कर देंगे तो 220, ठीक है, यहाँ पे आ गया 220। चलो तो यहाँ पे 0 0 मैंने कैंसिल कर दिया, अब मैं इसका आंसर निकाल लेता हूँ। तो देखो ये बड़े नंबर हो गए ना, वैसे करने को तो कर सकते हैं हम, लेकिन हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, कैलकुलेटर तो वैसे भी अलाव है आपको। तो 375 / 22
तो आंसर आ गया क्लास 170.45, ठीक है। ये आ गया मुझे लेस्पियस का फॉर्मूला का वैल्यू। अब सेकंड निकालूंगा मैं इसमें पैसेस यानी कि आईपी। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको कैसे याद रखें, ठीक है। लेस्पियर तो हमें समझ गया कि 1000 से मतलब लेस्पियर हो गया। पैसेस के लिए क्या करें, पैसेस के लिए आपको याद रखना है 1101, ठीक है। समेशन पी वन क्यू 1100, तो समेशन पी वन क्यू वन डिवाइड बाई समेशन 1101, तो मतलब पी जीरो क्यू वन 1101 हो गया, मतलब 1101, ठीक है। तो इसमें अपने को ये करंट ईयर का प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटी चाहिए, बेस ईयर का प्राइस और करंट ईयर का क्वांटिटी चाहिए, ठीक है। चलो अभी इसमें आंसर निकालते हैं, इसको पी वन और क्यू वन चाहिए हमें, फिर चाहिए पी ज़ीरो क्यू वन चाहिए, राइट। पी वन क्यू वन कैसे निकालूंगा मैं, यहाँ पे पी वन क्यू वन मतलब ये दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करंट ईयर का प्राइस करंट ईयर की क्वांटिटी, 30 × 3 किया तो 90, 20 × 5 किया तो 100, 50 × 6 किया तो 300, तो ये हो गया 490, क्लियर यहाँ पे। देन यहाँ पे पी ज़ीरो क्यू वन, पी ज़ीरो मतलब बेस ईयर और करंट ईयर का प्राइस सॉरी क्वांटिटी, मतलब 2 × 30 तो 60, 4 × 20 80, 3 × 50 150, राइट। तो इसको ऐड कर दूंगा तो आंसर आएगा 390, चलो ठीक है। तो आपको आ गया आंसर 390 यहाँ पे, तो यहाँ पे 490 लिखूंगा फर्स्ट वन, ये वाली वैल्यू इसको डिवाइड करूँगा 390 से और इनटू यहाँ पे 100, तो 00 फर्स्ट वन कैंसिल हो गया। चलो कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं और उसका आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं कितना होगा, मतलब 49 डिवाइड बाई 39 कर दो सीधा, 49 डिवाइड बाई 39 तो आंसर आ गया इसमें 125.64, राइट यहाँ तक। इसको प्लस करने पे 290 आया है, ठीक है, इसको प्लस करने पे 290, तो यहाँ पे आंसर आएगा 168.96, ठीक है। तो यहाँ पे अपना कैलकुलेट करने पे रॉन्ग हो गया, जब मैंने कैलकुलेट किया तो मेरा आंसर आया 290, क्लियर। देन ये हो गया क्लास आपका लेस्पियर एंड पैसेस का, ठीक है। अब फीसर निकालते क्लास, तो फीसर भी ईजी है, यहाँ पे देखते थर्ड वन, तो आई एफ लिखते फीसर्स के लिए। फीसर्स का फॉर्मूला होता है इन द अंडर रूट, ठीक है, आई एल इंटू आई पी, मतलब ये दो वैल्यूज आई है ना, बस उसको अंडर रूट लिख दो और उसका आंसर आ जाएगा। तो अंडर रूट में इसकी वैल्यू लिख लेते हैं 170.45 × 168.96, राइट। चलो अब इसका आंसर निकालते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, कैलकुलेशन से करेंगे तो बहुत ही ईजी है। तो इसका आंसर आएगा 169.70, ठीक है। तो ये फीसर्स आ गया क्लास, अब निकालेंगे हम लोग डॉल्बीज बावले। तो फिर यहाँ पे फोर्थ वन आई डी वी इक्वल्स टू डॉल्बीज बावले कैसे निकालते हैं, सेम आई एल प्लस आई पी अपॉन टू, ठीक है, मतलब एवरेज होता है लेस्पियर और पैसेस का एवरेज। तो इसको करेंगे तो 170.45 लेस्पियर प्लस पैसेस कितना है यहाँ पे 168.96 और डिवाइड बाय 2 कर देंगे, इसको प्लस करेंगे और डिवाइड बाय 2, तो दैट इज मीन्स 11.41, ठीक है। इसको मैं ऐड कर रहा हूँ, कैलकुलेटर से ऐड कर सकते हो, तो यहाँ पे आंसर आया आपका 339.41 और उसको 2 से डिवाइड कर दूंगा, 2 1 ज़ा, ठीक है, फिर 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, फिर 1 1 यहाँ पे आया 14 हो गया, मतलब 7 और फिर 0 ज़ा, तो यहाँ पे भी सेम आंसर आएगा अपना। तो यहाँ पे 3 डिजिट लिया आंसर, अगर आप 2 डिजिट भी लोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो भी राइट आंसर है। देन आते हैं फिफ्थ वन आई एम ई, मतलब मार्सल एज वर्थ, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे इसको फॉर्मूला याद रखिए। ये जो हमने लेस्पियर का फॉर्मूला लिखा ना ऊपर वाला न्यूमरेटर,
पी वन पी जीरो, ठीक है, इसका समेसन, फिर प्लस कर दो ये पैसेज का जो न्यूमेटर है, समेसन पी वन क्यू वन अपॉन में समेसन पी जीरो क्यू जीरो प्लस समेसन पी जीरो क्यू वन अप इंटू हंड्रेड, ठीक है, मतलब न्यूमेटर न्यूमेटर को प्लस कर दिया, डिनोमेटर डिनोमेटर को प्लस कर दिया। चलो अभी हमने इसका टोटल निकाला हुआ है, यहाँ पे देखो इसका टोटल कितना है 375 प्लस इसका टोटल कितना है 220, ठीक है, इंटू हंड्रेड, और फिर यहाँ पे सॉरी ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये डिनोमीटर्स में आएगा 220, फिर ये वाली वैल्यूज 490, फिर इसका वैल्यू लास्ट वाला कॉलम 290, इसको प्लस कर देते तो इसमें आंसर आएगा 865, ठीक है, और यहाँ पे इंटू हंड्रेड कर दिया और इसको प्लस कर देंगे तो 510, 00 यहाँ पे कैंसिल हो गया, और इसको डिवाइड कर लेते 865 को 51 से डिवाइड करते तो आंसर इसका आएगा 169.61, ये हमने कैलकुलेट करके निकाल दिया आंसर। आई क्लास की ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था लेस पैसेज, ठीक है, फीसर्स डॉल्बी बावली और मार्शल एज वर्थ, ये सब आपको समझ गया किस तरीके से इसके जो फॉर्मूलाज है ना, बस फॉर्मूला ही इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, एक बार आपको फॉर्मूला समझ गया तो मतलब आपको आंसर आ ही जाएगा क्लास, ठीक है, तो इसलिए इसके फॉर्मूला पहले बाहर करने की कोशिश करो, जो कि मैंने आपको एक ट्रिकी वे में इसको एक्सप्लेन कर दिया कि यस इसके ये फॉर्मूलाज है, ताकि जब आप सम सॉल्व करो तो आपको समझ में आए, ठीक है, कि ये फॉर्मूला अप्लाइड करना है तो इसके बेस पे आपका टेबल भी क्या होगा एक्सटेंड होते रहेगा। चलिए मूव ऑन करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 के बी पार्ट पे, यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन गिवन है जो कि सब एक दूसरे से रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट है, राइट, सब में वही आएगा लेस पेयर पैसेज ये सब आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12th का बी, इसमें कमोडिटी गिवन है, बेस ईयर का प्राइस गिवन है एंड करंट ईयर का प्राइस गिवन है। अब यहाँ पे जो कमोडिटीज़ है वो 4 कमोडिटीज़ है जिसके अंदर राइस पल्स शुगर एंड ऑयल है, राइट, ये शुगर एंड ऑयल है, ठीक है, आपको यहाँ पे सेम करना है, क्या क्या निकालना है आपको, लेस पे निकालना है, पैसेज निकालना है, फीसर्स निकालने हैं, ठीक है, तो ऐसे तो इसको मैं टेबल को एक्सटेंड कर दिया और यहाँ पे टोटल लिख देता हूँ मैं, ताकि मैं इसको टोटल भी कंसिडर कर सकूँ। चलो सबसे फर्स्ट वन क्या निकालूंगा मैं, फॉर्मूला लिख लेता हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए, तो आई एल लिख लेता हूँ, समेसन क्या चाहिए मुझे, लेस पे का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, 1000, तो यहाँ पे 1000 लिखते हैं, मतलब समेसन पी वन क्यू जीरो अपॉन समेसन पी जीरो क्यू जीरो इंटू हंड्रेड, राइट, तो मुझे चाहिए पी वन क्यू क्यू जीरो चाहिए, तो पी वन क्यू जीरो चाहिए मुझे, और फिर क्या चाहिए, पी जीरो क्यू जीरो चाहिए, चल ठीक है। अभी इसमें वैल्यू निकालते हैं पी वन क्यू जीरो, पी वन अभी क्या होगा, बेस ईयर का प्राइस है तो पी जीरो हो गया, बेस ईयर की क्वांटिटी है तो क्यू जीरो हो गया, फिर करंट ईयर का प्राइस है तो पी जीरो हो गया, करंट ईयर की क्वांटिटी है तो सॉरी यहाँ पे वन आएगा फिर, ठीक है, तो अभी पी वन मतलब करंट ईयर का प्राइस और बेस ईयर की क्वांटिटी 15 इंटू 5 करते हैं तो 75, 20 इंटू 12 करते हैं तो 240, 25 इंटू 8 करते हैं तो 200 और 10 इंटू 210 करते हैं मतलब 21 करते हैं तो 210 आ गया इसका आंसर, इसको अभी प्लस कर लेते हैं, ठीक है, तो आंसर आएगा इसका 725, राइट, एंड देन पी जीरो क्यू जीरो, पी जीरो क्यू जीरो मतलब बेस एयर की क्वांटिटी की बेस एयर की प्राइस, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट 60, 15 इंटू 4 6 इंटू 20 120, 8 इंटू 25 200 एंड 14 इंटू 10 140, ठीक है, इसको प्लस करते हैं हम लोग तो 4520, चलो 520 आ गया इसका आंसर। यहाँ पे भी 725 डिवाइड बाई 520 इंटू 100, ठीक है, इसका आंसर आएगा, फर्स्ट 00 कैंसिल कर दिया हमने, ठीक है, अभी 725 को हम 52 से डिवाइड कर लेते हैं, चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, 725 डिवाइड बाई 52, ठीक है, तो इसका जो टोटल आएगा वो है आपका 139.42, ठीक है, 139.42,
आपकी टेक्स्ट बुक में यहाँ पे जो सोल्यूशन गिवन है उसमें लिखा है 142.16, ठीक है। आपने यहाँ पे प्रॉपर कैलकुलेट किया हुआ है तो आंसर अपना यही आया, तो हम इसको ही फॉलो करेंगे। टेक्स्ट बुक में जो इसका सोल्यूशन दिया है वो शायद रॉन्ग होगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट वन निकालते हैं पैसेज, यानी कि आई पी फॉर्मूला क्या था इसका, समेशन पी वन क्यू वन, मतलब 1101, ऐसा याद रखना है आपको। तो यहाँ पे समेशन पी जीरो क्यू वन इंटू 100 कर दिया इसमें, चलो ठीक है। पी वन क्यू वन निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे पी वन क्यू वन, ओके। तो दैट इज मीन्स पी वन क्यू वन मतलब करंट ईयर का प्राइस और क्वांटिटी, तो 5 × 20 100 हो गया, 12 × 30 360 हो गया, 8 × 20 160 एंड देन 21 × 15, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा 315, ओके। अभी इसको हम प्लस कर लेते हैं तो कितना आएगा, 6, 7, 8, 800, 935, ठीक है। तो अपने को न्यूमरेटर वैल्यू मिल गया 935 डिवाइड बाई पी जीरो क्यू जीरो निकालना, सॉरी पी जीरो क्यू वन निकालना है अपने को, ओके। तो पी जीरो मतलब बेस ईयर का प्राइस, करंट ईयर का क्वांटिटी, तो मतलब फर्स्ट कॉलम एंड फोर्थ कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। तो 20 × 4 किया तो 80, 30 × 6 किया तो 180, फिर 20 × 8 किया तो 160, ठीक है। यहाँ पे 160 है, ओके। देन 14 × 15 किया तो इसका आंसर आएगा 210। अब इसको ऐड कर लेते हैं तो दैट इज मीन्स 260 प्लस 160 तो 3420 620 630, आ गया। तो यहाँ पे देखते हैं 630। अभी इसको डिवाइड करके देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। मैं टेक्स्ट बुक के आंसर्स को फॉलोअप नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी पहले मैं इसको डिवाइड करके देख लेता हूँ कितना आएगा आंसर। 935 डिवाइड बाय 630, तो इसमें आंसर आया है 148.41, ठीक है, 148.41। चलो ये आ गया। अभी इसका निकालूंगा मैं फीसेस, तो फीसेस के लिए रूट में फॉर्मूला होता है IL into IP, राइट। तो इसको अभी मैं रूट में लिखता हूँ, इधर नीचे लिख लेता हूँ, ओके। तो रूट में 139.42 into 148.41, चलो इसका मल्टीप्लाई करके इसके रूट की वैल्यू निकालते हैं। तो कैसे करना है, तो फर्स्ट वन इसका मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं 139.42 into 148.41, ये जो वैल्यू सही है उसको अभी रूट निकालते हैं। अभी आंसर कितना है अपना 691.32। तो आपको कैल्सियम में अंडर रूट देना है, या तो आपने कैल्सियम में सीधा जो वैल्यू सही है उसको अंडर रूट में निकाल सकते हो, 2691.32, ठीक है। तो इसमें आंसर आया 143.84, लेकिन यहाँ पे 143 गिवन है टेक्स्ट बुक में, 143.84 अपना ये आंसर आया, लेकिन टेक्स्ट बुक में आपको गिवन है 143 एग्जैक्ट वैल्यूज, ठीक है। तो हम प्रॉपर कैलकुलेट कर रहे हैं तो अपना आंसर राइट है सब जगह। इसके बाद निकालेंगे हम लोग डॉल्बीज़ बावले, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, IL प्लस IP डिवाइड बाई 2, तो दैट इज मीन्स इसके अंदर IL की वैल्यू कितनी आई, 139.42 प्लस, और इसमें आया 148.41, और इसको डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं तो इसका आंसर देखते कितना होता है, ठीक है। कैलसी में पहले इसको प्लस करके और इसको डिवाइड बाई 2 कर दो आप, तो 139.42 प्लस 148.41, ठीक है, और इसको प्लस करने पाया 287.83, और इसको डिवाइड बाई 2 कर लिया तो 143.91। अब सबके आंसर ऑलमोस्ट सेम ऐसे ही आएंगे, ठीक है, तो 143.92। चलो ये हो गया डॉल्स बाउल। अभी मार्शल एज वर्थ निकालते हैं, तो क्या होता है इसका सम्मेशन, ये जो न्यूमरेटर्स वैल्यू से वो लिख दो, ठीक है, फिर इसमें प्लस कर दो इसकी न्यूमरेटर्स वैल्यू पैसेज की, और डिवाइड में कर दो जो डिनोमिनेटर्स की वैल्यू से दोनों की,
अभी इसमें समेशन पी वन क्यू जीरो, मतलब ये फर्स्ट 725 प्लस, ठीक है, फिर ये थर्ड वाला 935 और इंटू यहाँ पे 100 लिख देता हूँ मैं आगे, पी जीरो क्यू जीरो, पी जीरो क्यू जीरो ये सेकेंड कॉलम 520 प्लस फिर 630, राइट, इसको प्लस कर लेते तो आंसर आएगा 1650, सॉरी 60, ठीक है 1660, और डिनोमीटर्स को प्लस करेंगे तो 1150, तो 00 यहाँ पे कैंसिल हो गया, 166 को हम क्या करेंगे 115 से डिवाइड कर देंगे, तो ऑलमोस्ट इसका आंसर भी 143 के आसपास ही आएगा, लेकिन हम कैलसी करके देख लेते 166 डिवाइड बाई 115, तो यहाँ पे 144.35 या 34 आ रहा है, ठीक है, और आपके इस टेक्स्ट बुक में गिवन है 143.10, तो हम यहाँ पे अपना आंसर लिखेंगे 144.35, ठीक है, वैसे तो 47 है तो मैं यहाँ पे 5 लिख रहा हूँ लास्ट में, तो ये हो गया आपका दोनों क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। सेम ऐसे ही इसी तरीके से आपको क्या करना है कि सी एंड डी एंड ई वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, अगर कहीं डाउट आता है तो डेफिनेटली आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके पूछ सकते हो। तो यहाँ पे आज बस इतना ही सीखना था हमें कि किस तरीके से लेस पेयर पैसेज, ठीक है, डॉल्बी बावले फीसर्स, मार्सेल एजबर्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार पेपर में देखा गया है कि ये जो लेस पेयर पैसेज के जो सम्स होते हैं ये डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं, क्योंकि ये फेमस इकोनॉमिक्स थे हैं जिनके बेस पे आप इंडेक्स नंबर्स को सॉल्व करते हैं, क्योंकि इन्होंने ही मेथड दिया हुआ है कि आप किस तरीके से बेस ईयर और करंट ईयर के बेसिस पे आप प्राइस क्वांटिटी को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही है, आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और आगे के तीन क्वेश्चन जो मैं आपको होमवर्क दे के जा रहा हूँ ये आप सॉल्व करोगे और मुझे कमेंट करके बताओगे कि आपने उसको सॉल्व कर लिया हुआ है, राइट। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।